रहमानी रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं इलायची की पाउडर बनाने वाली हूँ, जो इंडियन डिशेस में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, खीर में, फिरनी में, इस तरह से काफ़ी इंडियन डिशेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो उसके लिए मैं आज पाउडर बना ले रही हूँ, जिसके लिए हमने लिया 50 ग्राम्स इलायची और इसके हम 3 टेबल स्पून हमने लिया है शक्कर। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, गैस की फ्लेम को ऑन कर दे रही हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें, ये आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। देखिए हमारे पैन जो है बिल्कुल अच्छे से हॉट हो चुके हैं, इसमें फ्लेम आ रही है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर दे रही हूँ और इसमें इलायची के दाने को डाल दे रही हूँ। वैसे मैं हल्की आँच पर 4 से 5 मिनट रोस्ट करूँगी। ध्यान रखिए आप इस बात का कि इसके कलर चेंज नहीं होने चाहिए, बस आप इसे 4 से 5 मिनट धीमे आंच पे रोस्ट कर लें। ये देखिए हमने इसे 4 से 5 मिनट रोस्ट कर लिया है। अब मैं इस गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और इसे थोड़ा ठंडा कर लूँगी, तब मैं इसे ग्राइंड कर दूँगी। अब इसमें ऐसा करने से इसमें जितने भी मॉइस्चर होते हैं वो निकल जाते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर आप रोस्ट करना नहीं चाहते तो आप इसे ग्राइंड करके धूप में भी सुखा सकते हैं। देखिए हमने इसे रोस्ट करके थोड़ा थोड़ा ठंडा कर लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं, इसके कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसे मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें शक्कर भी डाल देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बन चुके हैं। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। हमारे पाउडर जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, इलायची पाउडर। अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी। इसे आप खुला बिल्कुल नहीं रखें वरना ये ख़राब हो जाएंगी, स्टोर नहीं हो पाएंगी, इसलिए आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें, इस तरह से मैं रख रही हूँ। ये देखिए हमारा इलायची पाउडर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मैंने इसे डब्बे में भी ढाल दिया है। अब मैं इसे टाइट करके बंद कर दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल टाइट है, इसी तरह आप भी टाइट करके किसी जगह अच्छे से रखिए ताकि ये काफ़ी महीने तक इस तरह से अच्छे से स्टोर रहेंगे। ये आप भी इसे इसी तरह से बना करके स्टोर कर लीजिए और किसी भी वक्त आप कोई भी स्वीट डिशेस बनाते हैं आप इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।